फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबी कुकिंग। आज हम दही की सब्जी बनाएंगे। दही की सब्जी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। आइए देख लेते हैं, दही की सब्जी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम दही लिया है। इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। इसके अलावा आधी शिमला मिर्च ली है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। एक चम्मच धनिया की पत्तियाँ। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। एक बड़ा चम्मच शहद का लिया है। शहद डालने से इसका जो टेस्ट होगा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। एक चम्मच ऑयल। मसालों में हमें चाहिए आधा चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई धनिया पाउडर, एक चौथाई गरम मसाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा। पैन मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। पैन गरम होते ही हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। पैन हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम ऑयल डाल देंगे। साथ में ही कटा हुआ टमाटर, प्याज, प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे और साथ में ही शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला प्याज को हम एक मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज और टमाटर हमारे भून चुके हैं, प्याज और शिमला मिर्च हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को थोड़ा सा भूनने देंगे सॉफ्ट होने तक। देखिए टमाटर हमारा अच्छे से भून चुका है। प्याज और शिमला मिर्च को मैंने एक मिनट के लिए भूना था और एक मिनट के लिए ही टमाटर को भूना है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और एक चौथाई जीरा। इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें शहद डाल देंगे। शहद को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें दही डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ करके रखा हुआ है और 10 मिनट तक मैंने मसाले को ठंडा किया पहले, और उसके बाद हमने इसमें दही डालना है। अगर हम गरम मसाले में दही डालेंगे गैस के ऊपर दही डालेंगे तो दही फट जाएगा। गैस हमने बंद रखनी है और जो हमारा मसाला है जो हमने भुना है वो भी उसको हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। दही की सब्जी हमारी बनके तैयार है। अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। दही की सब्जी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। और बस इस सब्जी को बनाते समय आपने यही ध्यान रखना है कि मसाला आपने भून लेना है और मसाला भून के जो हमारा मसाला होगा उसको अच्छे से ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद उसमें दही डाल दें और दही को पहले से आप फेंट कर डालें और इससे सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी और झटपट बन के तैयार हो जाएगी। जब भी आपको घर पर कोई सब्जी समझ ना आए तो दही की सब्जी बना के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।